अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट राघवा और लेकर आई हूं हेल्थ सेंटर। व्यूअर्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन अगर इसमें किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि मानसून का मौसम है। मानसून का मौसम वैसे तो बहुत खुशगवार, बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इवन की बीमारियां बहुत फैल जाती हैं। अगर ऐसे में आपका पानी साथ साथ आपकी जिंदगी को भी खतरे लाहक होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मानसून ऑफ पाकिस्तान मेडिकल सोसाइटी, आइए उनसे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताती चलूं, आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल 7644498 और डॉक्टर साहब से डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। बस डॉक्टर साहब, जैसे हम लोगों ने देखा है कि मानसून का मौसम तो बारिश का एक आमद होती है, आपको जो गर्मी का जोर होता है वो टूट जाता है, लेकिन ऐसे में बीमारियां भी फैलती हैं। क्या इंसान के लिए नेमत की बजाय जहमत का रोल प्ले करती हैं? ये आपने बिल्कुल अच्छी बात, कुछ प्रॉब्लम जिस किस्म के हैं कि हमारा सेटअप, रहने सहने का तरीका इस किस्म का है, हमारा सीवरेज का निजाम इस के अंदर जो पाइपिंग बिछाई हुई है, जो बाहर सड़कों में पाइपिंग बिछाई हुई है, वो इस तरह से है कि मॉनसून को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बारिश के बाद फौरन ड्रेन हो जाना चाहिए। आप देखें, आप बड़े शहरों में आप देखें कि हमेशा इन खबरों में पड़ती है कि ड्रेनेज का प्रॉब्लम आ जाता है और मॉनसून का पानी आएगा और ड्रेनेज की प्रॉब्लम होगी, तो जो पीने वाला पानी है उसमें मिक्सिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, और बाज दफा सीपेज भी हो रही होती है दोनों पाइप। वजह यह है कि जो पानी जो कि एक्सक्रीटा जिसके अंदर शामिल होता है, ड्रिंकिंग वाटर के साथ मिक्स हो जाता है और बहुत सारे लोगों को वो पानी मजबूरन, तो नतीजा क्या होता है कि ऐसी बीमारियां जिनको हम फीको ओरल डिजीजेस कहते हैं। अच्छा, खासतौर पे आपने सुना होगा गैस्ट्रो इंट्राइटस। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ अर्सा पहले अगर देखा जाए तो गैस्ट्रो का प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप मुझे देखते हैं तो मुझे इतनी ज्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं पता होगी कि पूछना चाहूंगी कि तो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताइए कि गैस्ट्रो से मतलब क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन आप। गैस्ट्रोइंट्राइटिस एक बहुत ही पुराना मर्ज है और जहां गर्मियों का मौसम हो या बरसात का मौसम इजाफा हो जाता है, खास तौर पे बच्चों में हो या बड़ी उम्र के लोगों के अंदर। अच्छा। और वैसे तो किसी उम्र का शख्स जो है वो इससे मुतासर होता है, लेकिन इन दो एक्सट्रीम के होती है, दोनों में होता है, इसलिए बच्चों के अंदर और जो ज्यादा बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें ज्यादा एहतियात कि जब आलूदा पानी जिसमें में दाखिल होता है तो 80% लोगों में जो स्टार्ट होता है इसका वो लूज मोशन से नहीं होता, 24 आवर्स वो फिर लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, बुखार शुरू हो जाता है और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वक्फे के अंदर जिस्म से पानी और नमकियात बहुत ज्यादा मिकदार में जाया होने का खतरा होता है। बहुत ज्यादा खतरा इसलिए होता है कि बच्चों के अंदर जो बॉडी प्रोपोर्शन है वाटर का वो बहुत ज्यादा है, तेजी से पानी जाहिर होता है, डिहाइड्रेट हो जाते हैं, वाटर लॉस हो जाता है। एंड आई कैन टेल यू वेरी सेफली इट इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन द चिल्ड्रन। जो आपने किया, मेरा ख्याल है बहुत सारी जो माएं हैं, जो बहुत सारे जो बच्चों का केयर कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को भी सेफ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं एक जगह पढ़ी थी गैस्ट्रोएंटेराइटिस को स्टमक फ्लू इसको क्यों कहा जाता है, क्या है कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है या कोई देखिए, वो नाम तो बहुत सारी बीमारियों को मुख्तलिफ जगह पे जाके मुख्तलिफ नाम दे दिए जाते हैं। प्रॉब्लम है वो ये है कि इन्फ्लेमेशन का एक प्रोसेस होता है जिसको सोजिश भी है, मैदे के अंदर भी है, और नतीजा ये है कि जो मैदे की सोजिश है उससे वॉमिटिंग ज्यादा,
डायरिया की प्रॉब्लम आ जाती है और ये दोनों मिलके हम इसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं। लेकिन एक चीज मैं यहाँ मेंशन सिम्पटम प्रीडोमिनेट कर सकती है, कुछ लोगों में वॉमिटिंग ज्यादा है, कुछ में लूज मोशन ज्यादा है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस है वो भी होगा और जो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है वो भी इसके अंदर हो सकती है, या जो नुकसान मैक्सिमम यही है कि किसी की जान को खतरा हो जाए किसी बीमारी से, तो इतनी तेजी से पानी जिस्म से निकलता है और साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट निकलते हैं जो कंपनसेट की डेथ हो सकती है, इवन एडल्ट्स के अंदर भी जो है मोर्टेलिटी इसके अंदर हो सकती है। ठीक, बड़ी उम्र के जो लोग होते हैं इनमें ज्यादा इसका खतरा रहता है, तो कोई एज स्पेसिफिक है? बस देखिए, जो जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही उसके अंदर, ये अल्लाह की तरफ से एक समझे नेमत है कि जो बच्चे मदर फीट पे हैं और वो एब्सोल्यूट मदर फीट पे रिकमेंडेशन तो यही है डॉक्टर्स की तरफ से, तो उसमें गैस्ट्रो काम होता है। लेकिन जो बच्चे बॉटल फैट पे चले जाते हैं उसमें माओ का उसके साफ सुथरा जो बॉटल्स है उसको मेंटेन करना वो इतना आसान नहीं होता, इसलिए जो बॉटल फैट पता लगता है कि बहुत सारे इसहाल का या गैस्ट्रोएंटेराइटिस का मसला है, और जो मदर फीट वीनिंग का पीरियड शुरू हो जाता है जब दूसरी चीजें उसको दी जाती हैं, तो अगर उसके अंदर वहां ये मसला होता है। या मैं एक जिक्र करना चाहूंगा, हमारे जो बच्चे हैं उनको सपोर्ट कर दिया जाता है, बड़ा आजकल रिवाज चलता जा रहा है, तो अगर हाइजीन उस व्यक्ति या अगर वो जो बच्चे की फीट के बर्तन हैं या जो जिस चीज में, तो माँ चाहे जितनी मर्जी साफ हो लेकिन क्योंकि बच्चा को हैंडल आया कर रही है तो नतीजा ठीक है, हमारा घर भी बहुत साफ सुथरा है, लेकिन बच्चा बार बार बीमार हो रहा है तो उसकी रूट कॉज ये है। अगर बच्चा है तो जो बच्चे को हैंडल कर रहा है, या कोई घर के अंदर फूड बनाने वाला नौकर है, क्योंकि डायरिया तो किसी भी सेटिंग में हो सकता है, किसी स्कूल में हो सकता है, कॉलेज में हो सकता है, किसी, सो यू हैव टू मेक श्योर कि उनकी जो अपनी हाइजीन है वो प्रॉपर है ताकि वो फूड ऐसा जिसकी वजह से ये बीमारी सामने ठीक है। इसमें तो हम लोगों ने हाइजीन के बारे में बात की, लेकिन ब्रेक के बाद हम लोग बात करेंगे। व्यूअर्स, वक्त हुआ ब्रेक का, मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के साथ, हमारे साथ दीजिएगा।